अस्सलाम वालेकुम गाइस, सो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो रेनो 8 प्रो के बारे में, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और इंडिया के अंदर कब लॉन्च किया जा रहा है और कितनी प्राइस के अंदर लॉन्च किया जाना है और इस स्मार्टफोन को कितनी प्राइस के अंदर बाय करना चाहिए। अगर तो दोस्तों इस स्मार्टफोन की इतनी ही प्राइस जितनी मैं आपको बताऊंगा, अगर हमें इतनी प्राइस देखने को मिले तो यकीनन दोस्तों ये स्मार्टफोन एक वैल्यू फॉर मनी होगी डिवाइस। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन में कितनी स्पेसिफिकेशन कितनी हद तक देखने को मिलती है, क्या हमें इस प्राइस के अंदर बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जितनी भी स्पेसिफिकेशंस थी इस स्मार्टफोन की एस्पेक्ट हो चुकी है। ओप्पो रेनो 8 प्रो एक ऐसी डिवाइस होने वाली है जिसमें डिजाइनिंग आपको तबाही की देखने को मिलती है, लेकिन एक चीज इसमें क्लियर है कि स्मार्टफोन में जो चिपसेट है वो आपको काफी टॉप लेवल का, मतलब यहां पर गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए अगर आप स्मार्टफोन लेना चाह रहे हो तो एक हाई लेवल की डिवाइस होने वाली है। अगर देखा जाए दोस्तों स्मार्टफोन में काफी ऐसे फीचर्स भी देखने को मिलते हैं जो आपको इस स्मार्टफोन में काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और इस स्मार्टफोन में आपको काफी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्मार्टफोन की कितनी प्राइस होने वाली है और स्मार्टफोन की क्या स्पेसिफिकेशंस है और इस स्मार्टफोन को बाय करने चाहिए नहीं करने चाहिए। आज की वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और देखा जाए दोस्तों पाकिस्तान के अंदर आपको डॉलर की प्राइस काफी इंक्रीज देखने को मिल रही है, तो काफी ज्यादा हो चुकी है डॉलर की प्राइस, लेकिन इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो प्राइस काफी ज्यादा बन जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखा जाए दोस्तों स्मार्टफोन का जो डिस्प्ले साइज है वो आपको 6.62 इंच का फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलता है और स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि बहुत कम डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे जो हाइलाइटिंग फीचर वो यही है कि स्मार्टफोन में आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है और यकीनन दोस्तों पैनल एक ऐसा पैनल होता है जिसमें आपको एक अच्छी वैल्यू देखने को मिल जाए। अब दोस्तों स्मार्टफोन में जो पैनल दिया गया काफी अच्छी क्वालिटी का दिया गया, जो कि इससे बढ़कर अभी तक कोई पैनल नहीं देखने को मिला, लेकिन पैनल बहुत है, लेकिन आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले एक बहुत बड़ा पैनल देखने को मिलता है, एक अच्छी वैल्यू वाला पैनल देखने को मिलता है। अब दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा जो गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए काफी तबाही का है। अब देखा जाए दोस्तों 90 हर्ट्ज के अंदर भी आपको काफी कमाल का देखने को मिलता है, लेकिन अब इसको इंप्रूव किया गया जो कि 120 हर्ट्ज का देखने को मिला है, जो एक ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करना है जिसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस एक अलग लेवल पर देखने को मिले। दोस्तों स्मार्टफोन की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो एक अलग लेवल पर है। अगर देखा जाए दोस्तों जिस तरह की परफॉर्मेंस आप लेना चाह रहे हो स्मार्टफोन के अंदर, वो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, बल्कि दोस्तों उससे बढ़कर भी आपको इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको एंड्रॉइड 12 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है जो कि बहुत कम डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन बहुत ऐसे डिवाइसेस जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसमें जो चिपसेट है वो आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 8th Gen 1 का चिपसेट देखने को मिलता है और स्मार्टफोन में आपको गेमिंग परफॉर्मेंस हाई लेवल की देखने को मिलेगी और साथ में आपको 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। 4 नैनोमीटर के बेस पर इसका चिपसेट देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए दोस्तों जितने नैनोमीटर कम होंगे उतनी ही परफॉर्मेंस आपके स्मार्टफोन की एक बड़ी होगी। अब देखा जाए दोस्तों आपके स्मार्टफोन में अगर 8 नैनोमीटर है, 10 नैनोमीटर है, 12 नैनोमीटर है, जिस तरह से बढ़ता जाएगा आपके स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, वो आपके स्मार्टफोन की कम होती जाएगी। लेकिन दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको जो नैनोमीटर है वो बहुत कम दिया गया है और परफॉर्मेंस आपकी काफी हाई लेवल पर जा रही है। अब दोस्तों इस स्मार्टफोन की अगर प्राइस की बात कर ली जाए पाकिस्तान और इंडिया के अंदर, लॉन्च रेट की बात कर ली जाए, तो सबसे पहले हम प्राइस की बात करें तो इस स्मार्टफोन की जो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर प्राइस रखी गई है वो 90,000 के अराउंड है। अब दोस्तों चौंके होंगे कि स्मार्टफोन की प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है, जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो डॉलर की प्राइस थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसके अगर देखा जाए दोस्तों पहले को रूटीन के अंदर अगर डॉलर देखा जाए ना तो उसके अंदर हमारी जो प्राइस रखी जानी थी वो 70,000 के अराउंड रखी जानी, लेकिन 20,000 एक्स्ट्रा जो कि हमें प्राइस जो है वो ज्यादा देखने को मिली है 20,000, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर की वजह से। अगर देखा जाए दोस्तों इंडिया के अंदर तो वो स्मार्टफोन आपको, ये स्मार्टफोन जो है वो आपको 35,000 से 36,000 के अराउंड ये डिवाइस देखने को मिलेगी और इसी के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिल रही है जो डॉलर की प्राइस है। अगर ग्लोबल मार्केट के अंदर प्राइस देखी जाए तो ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा $450 के अंदर, जो कि स्टार्टिंग प्राइस है इसकी, जो कि 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, तो 256GB वाला वेरिएंट है, तो ये प्राइस इसकी मैंने आपको बताई है। बाकी यहां पर 56 वाला भी हमारे पास मौजूद है, 12GB वाला वेरिएंट भी मौजूद है। अब दोस्तों स्मार्टफोन की जो वेरिएंट की बात कर ली जाए तो स्मार्टफोन में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम के साथ 256GB मेमोरी देखने को मिलती है और साथ में दोस्तों यहां पर 12GB रैम के साथ 256GB मेमोरी ही देखने को मिलती है, तो सिर्फ यहां पर रैम का फर्क है, बाकी हमें जो मेमोरी है वो हमें सेम देखने को मिलेगी।
और हाँ गाइस, अगर बात की जाए कैमरे वाइज की तो स्मार्टफोन के बैक साइड पे आपको ट्रिपल सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा और इसका जो मेन सेंसर रखा गया है वो आपको 50 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिलेगा। अगर देखा जाए दोस्तों एक अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड करने वाला होगा कैमरा। जो मेन सेंसर अगर सेकंड की बात की जाए वो 8 मेगापिक्सल के अंदर है जो कि अच्छी ही क्वालिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन जो थर्ड है वो आपको 2 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिल जाता है। लेकिन इसकी जो सेल्फी है वो आपको 32 मेगापिक्सल के अंदर देखने को मिलेगी और ये सिंगल ही देखने को मिलेगी। और एक चीज तो क्लियर है, स्मार्टफोन की जो सेल्फी रखेगी काफी तबाही की देखी गई है जो कि एक अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको सेल्फी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन की अगर मैं बात करूं स्मार्टफोन की बैटरी की, जो कि हमें स्मार्टफोन में 4500 एमएएच की बैटरी देखने को मिल जाती है और स्मार्टफोन में हमें 80 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। अब दोस्तों स्मार्टफोन का अगर लॉन्च डेट की बात की जाए तो स्मार्टफोन अभी इसी मंथ तो नहीं लॉन्च होगा, लेकिन अगले मंथ के अंदर हमें इंडिया के अंदर जरूर देखने को मिल जाएगा। लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर एस्पेक्ट जरूर है, लेकिन स्मार्टफोन को अगले मंथ के लास्ट के या स्टार्टिंग दरमियान के अंदर जो है वो अगले मंथ के अंदर आपको जरूर ये एडवाइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर भी देखने को मिलेगी। बाकी दोस्तों यही था स्मार्टफोन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो आज की इस वीडियो में हमने कवर की है। उम्मीद करता हूं कि ये एडवाइस आपको काफी पसंद आई होगी क्योंकि इसका डिजाइन काफी अलग है, इसकी जो लुक है वो काफी अलग है। लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन का डिजाइन लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। स्मार्टफोन का इंतजार कर रहे हो या नहीं कर रहे हो फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो ये जरूर बताते जाना। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।